अमरोहा में नौगावा सादात विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मंगलवार सुबह से शुरू होने वाली मतगणना के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली हैं, जिसके लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जो दो भागों में बांटी गई हैं। 10 टेबल एक टीन शेड में रहेंगी, जबकि अन्य टेबल दूसरी टीन शेड में लगाई गई हैं। 14 टेबल पर ईवीएम के अलावा वह 3 अन्य टेबल भी लगाई गई हैं, जिन पर पोस्टल बैलेट से कराए गए मतदान की गणना एवं आरओ व एआरओ के लिए व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने मतगणना के लिए अमरोहा मंडी समिति परिसर में स्थान का चयन किया है। मतगणना के लिए कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। हर टेबल पर प्रत्याशी के एक एजेंट के अलावा 3 कार्मिक मौजूद रहेंगे, इनमें एक सुपरविजन का काम करेगा। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब मतगणना स्थल पर टेबलों की संख्या बढ़ा दी है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बताया है कि मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करते हुए सीसीटीवी कैमरे और भारी पुलिस बल को लगाया जाएगा, जिसके लिए मंडी समिति परिसर में पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ डीएम और एसपी व अन्य अधिकारियों ने बैठक की और उनको मतगणना का निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए जरूरी निर्देश दिए और किसकी ड्यूटी कहां रहेगी इसके बारे में भी बताया। यूपी के साथ मतगणना है, क्या क्या तैयारी हमारे यहाँ? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग हो चुकी है, उनकी ड्यूटी लग चुकी है और जो वहाँ बैरिकेडिंग आज की जानी है वो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। आप लोग हमारे साथ भ्रमण भी कर रहे हैं, देख रहे थे सारी मान्यता व्यवस्थाएं। सर, कितनी फोर्स लगाई गई है सुरक्षा के लिए? नहीं, वो अलग।